नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ओ नाम वाले जातक एवं एफ नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ओ नाम वाले जातक एवं एफ नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो भी जातक होते हैं तो इन दोनों की अपने अपने जीवन में इनकी जो भी सोच होती है, इनकी जो भी विचारधारा होती है वो एक समान होती है एवं ये अपने जीवन के यात्रा में हमेशा अपने जीवन साथी की बातों को, उनके विचारों को ये बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि हम ओ नाम वालों की बात करें तो ओ नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में स्थिर नहीं होते हैं एवं अपने जीवन के यात्रा में हमेशा नए नए जगह पर घूमने जाना, नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों के साथ में अपने संबंध को बनाना ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मित्रों, ओ नाम वाले जो भी जातक होते हैं इनको अपने जीवन के यात्रा में हमेशा जोखिम लेना, रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है एवं ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मित्रों, इसके अलावा यदि हम एफ नाम वालों की बात करें तो एफ नाम वाले जो भी जातक होते हैं ये अपने जीवन के यात्रा में हमेशा आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं ये हमेशा अपने जीवन में अपने आजादी को, अपने स्वतंत्रता को ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने आजादी के साथ में, अपने स्वतंत्रता के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता करना ये पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, ओ नाम वाले जातक एवं एफ नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मित्रों आप दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में आप अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।